नमस्कार, मैं आप सभी के साथ हूँ राजीव झा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का नंबर वन एंड लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय एवं आपकी खबर इस समाचार के प्रस्तुत करता है। गढ़ सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। अ वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर टेक्नोलॉजी नीड्स, कंप्यूटर एंड हार्डवेयर टू हाई स्पीड कॉपियर्स, कुसुम इन्फोटेक। क्रिएट योर ओन वर्ल्ड इन योर वे, PIS। अब बढ़ते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस की तरफ। मीडिया एग्जिट पोल्स के मुताबिक दीदीराज के खात्मे की दिख रही है आहट। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि एग्जिट पोल के नतीजे सिर्फ मात्र गॉसिप। वामफ्रंट नेता दिलीप सिंह की उपस्थिति में एक नागरिक सभा का हुआ समापन। और जलपाईगुड़ी में घटिया सामग्री से शौचालय बनाए जाने के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। अब बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की तरफ विस्तार से। मीडिया एग्जिट पोल्स के मुताबिक देश में भाजपा की सरकार के साथ बंगाल में भाजपा की दमदार दस्तक, दीदीराज के खात्मे की दिख रही है आहट। पूरे भारत में मीडिया एग्जिट पोल्स के मुताबिक भारत में एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान अगर कोई एक राज्य सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में रहा तो वो है पश्चिम बंगाल। चुनाव खत्म होने के बाद मीडिया एग्जिट पोल्स के आंकड़े के मुताबिक पश्चिम बंगाल में भाजपा की दमदार दस्तक होने की ओर संकेत दे रही है। वहीं दीदीराज के खात्मे की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। चुनाव की जगह युद्ध भूमि में तब्दील हो चुके दीदी के गढ़ पश्चिम बंगाल में चुनाव के हर चरण में हिंसा की तस्वीरों ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। भाजपा ने इस चुनाव में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मेहनत करती नजर आई थी। अब केंद्र में सत्ताधारी पार्टी भाजपा को उसके संघर्ष का फल मिलता दिख रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद अंतिम परिणाम 23 मई को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि ममता का किला ध्वस्त हो रहा है। भक्तिनगर थाना अंतर्गत एकतिया साल BFP जूनियर हाई स्कूल में विभिन्न मांगों को लेकर एक नागरिक सभा का किया गया आयोजन, जिसमें सिलीगुड़ी नगर निगम के चेयरमैन व वामफ्रंट नेता दिलीप सिंह रहे खास तौर पर उपस्थित। रविवार को भक्तिनगर थाना अंतर्गत एकतिया साल BFP जूनियर हाई स्कूल परिसर में एक नागरिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सिलीगुड़ी नगर निगम के चेयरमैन व वामफ्रंट नेता दिलीप सिंह के साथ अन्य नेतागण उपस्थित रहे। इस नागरिक सभा का मूल उद्देश्य रहा सालुगड़ा हाई स्कूल को उच्च माध्यमिक कर दिया जाए, एकतिया साल BFP जूनियर हाई स्कूल को माध्यमिक स्तरीय बनाया जाए, साथ ही साथ अन्य मांगे भी शामिल रहे। इस दौरान काफी संख्या में आम जन उपस्थित रहे। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर अर्थ बाबू के आज के ऑनलाइन देबो, डीआई साहब के हमारे जलपाईगुड़ी जिला देबो, তারপরে আমরা দেড় মাসের মধ্যে জলপাইগুড়ি ডিআই কাছে গিয়ে আমরা উত্তর চাইব কি হলো। আমরা যেটা আমরা বাই পোস্ট পাঠাবো, আরো মাঝখানে এই দেড় মাসের মধ্যে আমরা যোগাযোগ করব, তার আগেও আমাদের এই যোগাযোগ আমরা চালিয়ে যাব, যাতে এই স্কুলকে আমরা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল संगे संगे द्विखंडीकरण कराते पारी। सिलीगुड़ी में एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि चुनाव के दौरान जिस प्रकार भाजपा ने प्रचार किया है, इसी का नतीजा है कि केंद्र में पूरी बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाने में कामयाब होगी तथा बंगाल में 24 से ज्यादा सीटें आएंगी। हम लोग कहीं से नीचे न हो, सबसे बड़ा पार्टी हो, जैसा क्यों क्यों देखी 24 और 16 पश्चिम बंगाल, हाँ जलपाईगुड़ी नगर पालिका के 20 नंबर वार्ड के बोसपारा इलाके में रविवार सरकारी योजना के तहत घटिया सामग्री से शौचालय बनाए जाने के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। सरकारी योजना के तहत घटिया निर्माण सामग्री से शौचालय बनाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने इसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि रविवार को शौचालय बनाने के लिए जब निर्माण संस्था कर्मी यहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शौचालय बनाने के लिए लाए गए निर्माण सामग्री घटिया क्वालिटी के हैं। यह देखते ही स्थानीय लोग भड़क उठे और प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। स्थानीय लोगों का कहना था कि सरकारी योजना के माध्यम से शौचालय बनाया जा रहा है, इससे शौचालय के निर्माण में आवश्यक सामग्री निम्न स्तर की है जो निर्माण से पहले ही टूट जा रही है। ये लोग उत्तम किस्म के सामान से शौचालय बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक अच्छी किस्म की सामग्री से शौचालय नहीं बनाया जाएगा तब तक वे लोग शौचालय को नहीं बनाने देंगे। असुविधा जो पायखाना दिशे ये पायखाना द्वार कथा ठीक है, काउंसिलर पायखाना दिखे पायखाना द्वार जिस समस्त मालमेटी फैला रिंगगुला नामाते जाए एक एक खुले जा मैं सेटिंग तो दूर कथा उन्नी लेबारा जे नामा नामार साथे साथ ही खुले जाए ओखानटाई और जे समस्त टीन दिशे टीन एक एक उड़े जा हावए
চিনে কিছু নাই। কত টাকা নিছে? 1050 টাকা। কি মনে হচ্ছে এই মালগুলো? এই এই সমস্ত মাল চলবে না, এটা এটা চলবে না কি? এটা নামে দিয়ে খুলে যাচ্ছে। এটা সরকারের থেকে যদি হয়ে থাকে, সরকারের থেকে কি চাচ্ছেন আপনি? কি চাচ্ছেন? এই যে জিনিসটা ভালো সুস্থ জিনিস দেখ, যাতে লোক ব্যবহার করতে পারে। 1921 সাল বড়বড়েরা একটা সংস্থা এই কাজটা করছে। এই যে পায়খানাগুলো লোকোস্ট ল্যাট্রিন, এটা একটা টাকার মানদণ্ড আছে। কোয়ালিটি অফ টিন, কোয়ালিটি অফ রিং যেটা বললেন, সেই ব্যান্ডটাও এই প্রজেক্টের মধ্যে নির্দিষ্ট করা আছে। তার মানে এই না যে ভাঙা রিং বা ভাঙা টিন দিয়ে কাউকে কিছু করে দিল। এক টাকা হলেও তো বেনিফিশিয়ারিজ থেকে নেওয়া হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে মানুষের অধিকার আছে তার প্রতিবাদ জানানো। फिलहाल हमारे लिए एक समय हो चुका है छोटे से ब्रेक का। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811। Apollo Clinic expertise closer to you. Apollo Clinic now in Siliguri. Services offered: doctor consultation, all kind of blood tests, USG, echocardiography, TMT and PFT including Apollo Dental Clinic. Apollo Clinic, Golden Enclave near Don Bosco Moor, Sevok Road, 2nd Mile, Siliguri. Mobile number 8900293111. From sales to services, a one-stop shop for all your technology needs. Computer and hardware to high-speed copiers, printers, toner, lamination machines, note counting machines and CCTV cameras, you will find a solution for all of your technology needs under one roof at Kusum Infotech, Prince Hotel, Rishi Abindo Road, Hakimpara, Siliguri. 9933333401. Break ke baad ek baar fir se aap sabhi ka swagat hai. Iske liye badhte hain khabron ki taraf. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि एग्जिट पोल के नतीजे मात्र गॉसिप, भरोसा सिर्फ और सिर्फ जनादेश पर। तृणमूल प्रमुख व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल को गॉसिप करार देते हुए कहा कि उन्हें जनादेश पर विश्वास है। ममता बनर्जी ने तंज कसते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि एग्जिट पोल के नतीजे किस तरह धराशायी हुए हैं। देश के मतदाता समझदार हैं, वे अपने दिल की बात नहीं बताते हैं और इस वजह से आप किसी भी एग्जिट पोल के नतीजों पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा यह पीएम का गेम प्लान है क्योंकि अधिकतर नेशनल मीडिया पर केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार का प्रभुत्व है।
ममता ने दावा किया कि भाजपा हार रही है और कहा कि हमने विपक्ष के कई नेताओं के साथ बातचीत की है, संगठित तौर पर हम सभी एकजुट हैं, मजबूत हैं, साथ ही इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि केंद्र में अगली सरकार भाजपा की तो नहीं बनेगी। विद्या भारती सिक्किम प्रांत ने प्रेस क्लब ऑफ सिक्किम के भवन में भाऊराव देवरस छात्रा पुरस्कार अलंकरण समारोह में सिक्किम दार्जिलिंग कालिंपोंग के लगभग 17 विद्यार्थियों को 4,000 और 6,000 करके छात्रवृत्ति प्रदान किए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे सिक्किम प्रांत अध्यक्ष छुलटिम भुटिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष का नारा देते हुए आज ही के दिन बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में ली थी शपथ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस सरकार ने आज 7 साल पूरे कर लिए। तृणमूल ने 20 मई 2011 में 34 साल तक सत्ता पर काबिज रहे वाम मोर्चा को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष का नारा देते हुए बतौर बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। इसके बाद साल 2016 विधानसभा चुनाव में फिर से सत्ता हासिल करने के बाद 27 मई को दूसरी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। रविवार को 7 साल पूरे होने पर एक बार ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। सुश्री बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा कि 20 मई 2011 पहली बार मां माटी मानुष की सरकार ने शपथ ली थी। आज इस विशेष दिन पर मैं जनसाधारण का अभिनंदन करती हूं। हम लोगों के लिए काम करते रहेंगे, बंगाल बनेगा विश्व बांग्ला और यही हमारी उपलब्धि होगी। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 9 स्थित अग्रसेन रोड स्थित एक घर के नीचे बने गोदाम में रविवार देर शाम आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आगजनी के बाद आनन फानन में दमकल केंद्र को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर दमकल के 7 इंजन मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पी। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। सोमवार सुबह नागराकाटा चाय बगान के बिना पानी स्कूल लाइन के एक युवक ने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब तक के लिए इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों की जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, यानी SK लाइव के साथ। आपका समय एवं आपकी खबर। धन्यवाद।